ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर हमने लास्ट टाइम किया था। ट्रांजिस्टर के अंदर हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स की थी। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो एनपीएन और पीएनपी, कुछ भी मान लो, कॉमन एमिटर की करेक्टरिस्टिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट थी। कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट और आउटपुट की अगर बात करें, कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट में कौन है बेस, आउटपुट में कौन है कलेक्टर। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि जो इनपुट है उसमें जो करंट होता है, इनपुट करंट, वो माइक्रो एम्पियर में होता है, और जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस फॉर्म में है। इसमें ये नोट करने वाली बात है कि जो आउटपुट करंट है, जिसको कलेक्टर करंट बोलते हैं, उसको जो है वो मिली एम्पियर में होता है। माइक्रो से करंट मिली में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हो गई। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने क्या किया था, स्विचिंग एक्शन किया था ट्रांजिस्टर का, ऑन एंड ऑफ स्टेट को डिस्कस किया था हमने। स्विचिंग एक्शन के बाद आज जो हमने काम करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट एक सिंपल, बहुत सिंपल चीज पे बेस्ड है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट में कौन है बेस, और जो कि किस में मेजर किया जाता है माइक्रो एम्पियर, और आउटपुट करंट किस में मेजर किया जाता है मिली एम्पियर। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अगर एफिशिएंसी की बात करें एम्पलीफायर की, या एफिशिएंसी को हम इस एम्पलीफायर के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं गेन, गेन करते हैं, या फिर गेन की जगह यूज करेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। और मुझे मालूम है कि जो आउटपुट करंट है वो मिली के अंदर मेजर होगा, और इनपुट करंट माइक्रो के अंदर मेजर होगा, और मिली और माइक्रो को अगर हम डिवाइड करेंगे करंट की वैल्यूज को, तो कहीं ना कहीं 10^3 का फैक्टर आएगा, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट से बहुत ज्यादा बड़ा आने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक एन एम्पलीफायर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्यों बोला जाता है, इसमें एम्पलीफिकेशन कहां से आती है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होगा कि इसमें एम्पलीफायर यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा रहा है। क्या पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर के अंदर, एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस which is used for increasing the amplitude of variation of alternating voltage या current या power। तो जो output voltage है या output current है या output power है, वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी as compared to input voltage, current या power। So the amplifier thus produces an enlarged version of input signal। तो input signal का enlarged version आपको ये amplifier देगा। अब इसके अंदर जो आपने diagram draw करना है वो ये ड्रॉ करना है, जो कि एम्पलीफायर का डायग्राम है, जिसमें ये शो करना है कि इनपुट वोल्टेज गई, आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होके बाहर आ गई। ठीक, इनपुट वोल्टेज आई और एम्पलीफिकेशन के बाद ये बाहर आ गई। अब एक चीज हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर एक एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर कॉमन, अगर बेस एम्पलीफायर है और अगर एम्पलीफायर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, तो अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है, ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, कॉमन बेस में एम्पलीफिकेशन एज इट इज हो जाती है, जैसे ये मैंने करके दिखाई हुई है। तो कॉमन बेस में जो एम्पलीफिकेशन है वो क्रेस्ट, बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा, ट्रफ बड़ा ट्रफ बन जाएगा, लेकिन कॉमन एमीटर के अंदर जो क्रेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रफ में, बड़े ट्रफ में, और जो ट्रफ है वो बड़े क्रेस्ट में। तो हम ये बोलते हैं कि कॉमन एमिटर के अंदर देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180, पाई का फेज शिफ्ट होता है, तो ये साइकिल को चेंज कर देता है, क्रेस्ट को ट्रफ में, ट्रफ को क्रेस्ट में। इसके अंदर जो एम्पलीफिकेशन है वो ऐसी नहीं होती, इसके अंदर जो एम्पलीफिकेशन है वो एज इट इज सेम टू सेम हो जाती है, क्रेस्ट बड़े ट्रफ क्रेस्ट में, ट्रफ बड़े ट्रफ में। तो फेज चेंज कितने का है, 0 डिग्री का है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक।
तो इसके अंदर जो फेज चेंज है वो 180 और जीरो के बीच में, जीरो मींस डिपेंड करेगा कि कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन बेस के अंदर एज इट इज एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, कॉमन इनवर्टर में 180 का फेज चेंज होगा। ठीक, कॉमन बेस हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, कॉमन एमिटर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो हम क्या यूज अब शुरू करेंगे, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस की वर्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन एमिटर की वर्किंग करेंगे। ठीक है यहां तक, हालांकि मैंने अपने बुकलेट के अंदर कॉमन बेस से ही स्टार्टिंग की है, पर आप लिख सकते हो दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो इसकी वर्किंग आपको नहीं पढ़नी। हालांकि कॉमन एमिटर की और कॉमन बेस की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर एक्सेप्ट 180 का, तो इसलिए अगर एक की वर्किंग आती है तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके अंदर जो कॉमन बेस है इसकी वर्किंग मैं स्किप कर रहा हूं, ये सब मैं स्किप कर रहा हूं, और मैं कहां पर आ रहा हूं, कॉमन एमिटर के ऊपर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर अगर पेपर में आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। वैसे आपके एनसीईआरटी के कोर्स में सिर्फ एनपीएन मेंशन्ड है, रीजन कॉमन बेस कॉमन एमिटर में से सबसे बढ़िया जो एम्पलीफायर बनेगा कॉमन एमिटर बनेगा, क्यों, क्योंकि वो माइक्रो और मिली का चक्कर है, जबकि कॉमन बेस में मिली और मिली का ही चक्कर था कि दोनों करंट्स की जो डायमेंशन जो यूनिट से वो जो है वो मिली और मिली थे, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज्यादा बड़ा नहीं आता था, हालांकि आता था पर बहुत बड़ा नहीं आता था। लेकिन इसके अंदर कॉमन एमिटर के अंदर हमने देखा कि आउटपुट करंट काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू इनका इनपुट करंट, तो कॉमन एमिटर हमेशा बेटर है। कॉमन एमिटर के अंदर भी एक हुआ एनपीएन एक हुआ पीएनपी, एनपीएन ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव करते हैं, जिस वजह से जो आपका जो जो एक्शन है वो काफी फास्ट होता है, और इस वजह से एनपीएन को प्रेफर किया जाता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ एनपीएन मेंशनड है, जबकि आज हम एनपीएन भी करेंगे और पीएनपी भी कर लेंगे, अगर इन केस इमरजेंसी में पीएनपी पूछ लेता तो आपको लिखना आना चाहिए, अदरवाइज अगर पूछता नहीं है वो मेंशन नहीं करता तो एम्पलीफायर कोई भी मेंशन करेगा कॉमन एमिटर का तो आप उसमें एनपीएन ही लिख सकते हो। तो सबसे पहले एम्पलीफायर में जब एक पेपर में आएगा, प्योर एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसका मैथमेटिकल पोर्शन एंड में करेंगे हम, वो मैथमेटिकल पोर्शन जो है कंपटीशन में मेंस में और नीट में आ जाता है, उसके फॉर्मूलाज तो फॉर्मूलाज एंड में देखेंगे। लेकिन जब एम्पलीफायर लिखने को आएगा तो देखो सीक्वेंस बड़े ध्यान से लिखना क्या लिखना है आपको, अलग अलग जगह से पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज एन एम्पलीफायर, यानी कि उसका पर्पज लिखेंगे कि पर्पज है क्या एम्पलीफायर का। तो प्लीज पॉइंट्स नोट कर लेना लिखना कैसे है, क्योंकि आप बहुत सही तरह लिखते नहीं है, छोटे तरीके से लिखेंगे तो हेडिंग ऐसी आएगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या है वो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उस एम्पलीफायर के बाद पर्पज लिखने के बाद पॉइंट नंबर टू जो आपने करना है वो आपने क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है जो मैंने स्लाइड पे बनाया हुआ है, डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर। ये सीक्वेंस ऐसे ही रखना प्लीज, डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर, और ये वाला डायग्राम आएगा जिसमें आपने ये शो करना है कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है। पॉइंट नंबर टू क्लियर है, बना हुआ है, लेकिन सीक्वेंस ध्यान से, मतलब 1 2 3 ध्यान से कि लिखना, क्योंकि एम्पलीफायर की जो वर्किंग है वो अलग अलग जगह पे स्प्लिट हुई हुई है, कोई उधर बिखरा हुआ है, कोई करेक्टरिस्टिक्स है, तो पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे आपको, वो कैसे उठाने हैं ये आपको तरीका बता रहा हूं मैं। तो पहले आपने लिखना है पर्पस, फिर लिखना है डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर थर्ड, फिर आपने ये लिखना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीफायर। अब करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये वाले दो जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे ना, कॉमन एमिटर के, कॉमन एमिटर में एक तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है और एक आउटपुट है, तो आपने इसमें एक हल्की सी वेरिएशन बनानी है, मतलब ये वैल्यूज फिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस सिर्फ एक वेरिएशन बनाना है कि करेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ की है, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, वैल्यू में कोई चक्कर नहीं है, जिसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये शो करना है कि जो कलेक्टर करंट है वो मिली एम्पियर में है, आउटपुट करंट मिली एम्पियर में है, और इनपुट किस में, माइक्रो एम्पियर में है। समझ में आ रहा है यहां तक, करेक्टरिस्टिक्स बना दी, ठीक बना लिए, दो डायग्राम बना दिए। उसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद आपने नोट लिखना है इसमें बड़ा सा बीच में नोट कि हेयर आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट है और आउटपुट करंट इसके अंदर क्या है कलेक्टर, इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर,
एंड इनपुट करंट दैट इज कौन सा करंट, बेस करंट, इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर. ठीक, आपने ये लिखना है कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट में एक को मिली एम्पियर और एक को माइक्रो एम्पियर में हमने मेजर किया. ठीक, ये पॉइंट लिखोगे और इसमें ये लिख देना एज आउटपुट करंट इज ग्रेटर देन इनपुट करंट. जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट से क्या है, बड़ा है. ठीक, बड़ा है. एंड ऑफ एम्पलीफायर इज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. जो गेन है इसका वो आउटपुट बाय इनपुट है. गेन को नॉर्मली हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं. एम्पलीफिकेशन फैक्टर इसका जो होगा आउटपुट बाय इनपुट है. तो ऑब्वियसली आउटपुट किस में मेजर कर रहे हैं, मिली में और ये माइक्रो में. तो ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन फैक्टर बहुत बड़ा आने वाला है. दिस एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज वेरी हाई. तो ये समझ में आ रहा है कि एम्पलीफायर की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि करंट को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है. तो ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ये नोट लिखा. ठीक, तो कायदे से तो यहां तक एम्पलीफिकेशन फैक्टर तक आपकी बात बन जाती है और ये पता लग जाता है एक टीचर को कि ये आपको एम्पलीफायर आता है. नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या लिखना है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में जो आप इसमें कंस्ट्रक्शन जब ड्रॉ करोगे या ऐसा कर सकते हो, डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर में ना, डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर में वो डायग्राम तो ड्रॉ करना ही करना है, साथ में ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना. ये वाला जो मेन डायग्राम है इसका, ये वाला एनपीएन का, एनपीएन एनपीएन का एम्पलीफायर डायग्राम, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही डायग्राम है ना. ये थोड़े ना ये है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. फिर अब ये साथ में ड्रॉ करना, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों एम्पलीफायर ड्रॉ करना, वो तो बेसिक एक डायग्राम है बेसिकली. एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है वो तो इसके साथ है. तो ये ड्रॉ करना, समझ में आ रहा है. तो पहला सीक्वेंस रहेगा पर्पस का, दूसरा डायग्राम आएगा, डायग्राम में सिंपल डायग्राम भी आएगा और ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है सिलेबस में वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है. और आपने ट्रांजिस्टर वाला डायग्राम नहीं बनाया तो नंबर कहां से मिलेंगे, ट्रांजिस्टर तो बनाया ही नहीं. तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, कोई डाउट इसमें. तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है. फिर आपने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, फिर आपने करंट्स को मेंशन किया, फिर आपने कहा आउटपुट करंट जो है इनपुट करंट से काफी बड़ा है, तो हेंस आप लिख सकते हो कि दिस ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर. तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है सारा. ठीक, नेक्स्ट है. अब नेक्स्ट इसके अंदर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो किसका डायग्राम बनेगा, कॉमन एमीटर का बनेगा और कौन सा बनेगा, एनपीएन का बनेगा. एनपीएन के अंदर यहां मेंशन कर लें, इसमें कलेक्टर ये एन है, बेस पी है और ये एन है. यहां लिख ले प्लीज एनपीएन, बताऊंगा क्यों, अब यूज करूंगा मैं इसे एनपीएन. ठीक, इस पॉइंट पर लिखना एन, इस पॉइंट पे एन, इस पे पी, इस पे एन. अच्छा ठीक है यहां तक. उसके बाद मैंने आपको वर्किंग एक तरीके से समझाई दी, लेकिन आप इसको एक और तरीके से लिखेंगे कैसे, साथ ही मर्ज करके लिखेंगे कैसे. नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में, हेयर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज गिवन एज, हमने लास्ट टाइम किरचॉफ लॉ से किया था स्विच के अंदर, क्या था ये, कितनी बैटरी है, वी सी सी, वी सी सी में से क्या माइनस करेंगे, आई सी इंटू आर सी, तो वी सी सी आई सी इंटू आर सी. तो ये लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी. ठीक, लिख लिया. ठीक, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखने के बाद आप इसमें अब दो हेडिंग बनाएंगे. अब इसकी वर्किंग पहले समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस क्या लिखने आगे. ठीक, इसके बाद ये क्लोज करेंगे लास्ट पॉइंट जो लिखेंगे. तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपने, इसके साथ इसकी वर्किंग आएगी अब आगे कैसे. वर्किंग वैसे तो एक बार तो हो चुकी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर लेकिन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है उसका लिखने का तरीका देखेंगे. तो इसमें हम ऐसे करेंगे, ये एक एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर यूज किया, कॉमन एमिटर है, करंट की डायरेक्शन याद करनी पड़ेगी, एक रेजिस्टेंस इनपुट में, एक रेजिस्टेंस आउटपुट में, जैसे स्विच में हुआ करती थी.
बैटरी फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है, वो ट्रांजिस्टर की वर्किंग का एक पार्ट है। यहाँ बस फर्क यह है कि स्विच में कैपेसिटर नहीं लगते, इसमें कैपेसिटर लगाने हैं। इनपुट कैपेसिटर क्या करता है, देखो एम्पलीफायर किसको करना चाहते हो, मैं अपने साउंड को मान लो एम्पलीफाई करना चाहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर लिया और दो बैटरीज लगा दी। बैटरी की बायसिंग कॉन्स्टेंट थी, मैं चेंज नहीं करना चाहता, फिक्स थी, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, तो मैं बैटरी की बायसिंग को चेंज नहीं कर रहा। लेट अस सपोज मैं क्या करूंगा, पीछे से साउंड का सिग्नल जो मैं बोल रहा हूं वो इसमें एंटर करवाना चाहता हूं। क्यों, मैं चाहता हूं मेरी साउंड एम्पलीफाई हो जाए। अब जो साउंड का सिग्नल है जो इसमें इनपुट आ रहा है वो क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग होता है। जो साउंड है वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग का मतलब है कि एसी सिग्नल होता है, पर बायसिंग किससे की हुई है, डीसी बैटरी से, और इसमें करंट तो कांस्टेंट है, इसे मैं चेंज नहीं कर रहा। तो यहां करंट कौन से जा रहे हैं, डीसी, मैं क्या इसमें ऐड कर रहा हूं, एसी। तो बेसिकली जब एसी सिग्नल इसमें जाएगा वो डीसी में ऐड हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाता है, जिससे कि आपका डीसी सिग्नल भी वेरी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, डीसी तो कांस्टेंट था ना, पर मैंने पीछे से एसी सिग्नल भेजा, एसी सिग्नल में पहले पॉजिटिव साइकिल बीच में मर्ज हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है यहां तक। अब हुआ क्या, जब पॉजिटिव साइकिल गया उसने करंट को बढ़ाया, चाहे पॉजिटिवली बढ़ाया, पहले थोड़ा बढ़ाया, फिर ज्यादा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर जीरो हो गया। फिर नेगेटिव साइकिल ने क्या किया, करंट को कम किया, फिर बहुत कम किया और फिर जीरो कर दिया। तो जब मेरा एसी सिग्नल इसमें ऐड होगा तो इसकी बायसिंग खराब हो जाएगी। एक बार बायसिंग बढ़ जाएगी पॉजिटिव साइकिल में, लेट अस सपोज, और दूसरी बार बायसिंग कम हो जाएगी। तो एक साइकिल बायसिंग को बढ़ाएगा और दूसरा सिग्नल नेगेटिव साइकिल बायसिंग को कम कर देगा, बायसिंग खराब हो जाएगी। बायसिंग खराब होगी तो करंट खराब हो जाएगा, एक बार करंट बढ़ेगा, एक बार करंट कम होगा। जब बायसिंग बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, बायसिंग कम होती है करंट कम हो जाएगा। तो इनपुट करंट कम होगा तो आउटपुट करंट भी कम ज्यादा हो जाएगा। अगर पीछे से आईबी ज्यादा हो रहा है तो आईसी बढ़ जाएगा, आईबी कम हो गया आईसी कम हो गया, तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आउटपुट रिसीव होने भी कम और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसी को तो एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एम्पलीफाई इस तरीके से कर देंगे, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ये समझ में आ रहा है बेसिक प्रिंसिपल। अब प्रॉब्लम पहली क्या आती है कि डीसी करंट तो इधर जाना चाहिए, एसी सिग्नल बीच में मर्ज करना है मुझे, तो मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा शुरू में। कैपेसिटर डीसी को तो अपने अंदर से पास होने नहीं देगा, पर एसी को अपने अंदर से पास होने देगा। तो मेरा सिग्नल तो एंटर कर जाएगा इसमें, पर डीसी लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा, डीसी राइट ही जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटर क्या कर रहा है, इनपुट कैपेसिटर विल नॉट अलाउ बैटरी करंट टू पास थ्रू इट, बट अलाउ माइक्रोफोन इनपुट टू पास थ्रू इट। तो जो इनपुट है, जो कैपेसिटर इनपुट का है, वो माइक्रोफोन जो मैं बोल रहा हूं एसी सिग्नल उसको तो पास होने देगा, लेकिन डीसी करंट को पास नहीं होने देगा, तो डीसी करंट बाहर नहीं आ पाएगा, तो मिक्स हो गए दोनों सिग्नल। आउटपुट के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, आउटपुट में क्या बाहर निकालना है, आउटपुट में एसी बाहर चाहिए, आपको बैटरी का करंट थोड़ा बाहर चाहिए। तो आउटपुट में भी एक कैपेसिटर लगेगा जो बैटरी के करंट को तो यहां से आने से रोक लेगा, और मेरा जो अल्टरनेटिंग है वो इसमें से पास हम करवा लेंगे। दैट इज आउटपुट कैपेसिटर विल ब्लॉक बैटरी डीसी सिग्नल बट अलाउज आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल टू पास थ्रू इट, तो एम्पलीफाइड सिग्नल को पास होने देगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के रोल समझ में आ गए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हमारे इस कोर्स में, वैसे बता दिया अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है इसमें। ठीक, तो लिखना कैसे है ये समझ लो, उसके बाद फिर बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है इसके बाद।
अब आपको क्या करना है इसमें, ये डायग्राम बनाने के बाद आगे ध्यान से सुनना आप। इसके अंदर अब लिखने का तरीका आगे ये रहेगा आपका वर्किंग। आपने आउटपुट लिखा, फिर आपने हेडिंग बनानी है। हेडिंग में क्या बनाना है, इसके बाद हेडिंग बनानी है पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल का मतलब जब जब एसी का कौन सा साइकिल एंटर करेगा, पॉजिटिव, तो आउटपुट वो मैं बता दूं इसे एक मिनट। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, देखो, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मैंने आपको क्या लिख के दी, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, ये लिख के दी। जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल इसमें एंटर करेगा, तो डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, पॉजिटिव साइकिल कहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, पी की एन, पी पॉजिटिव साइकिल, पी का मतलब होल्स ज्यादा है, पॉजिटिव विद पी, तो ये होल्स को रिपेल करेगा और बाइसिंग बढ़ेगी, इससे मेजोरिटी कैरियर को पुश मिलेगा। तो पॉजिटिव जब पी के साथ यहां पर कनेक्ट होगा, तो फॉरवर्ड बाइसिंग तो हुई हुई थी इसकी, तो आपने बोलना है फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज, ये इसको सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को। और अगर इसने फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट किया तो बेस करंट बढ़ेगा, जिससे कि कलेक्टर करंट बढ़ेगा। अगर कलेक्टर करंट बढ़ गया तो आउटपुट क्या हो जाएगी, कम। आउटपुट कम का मतलब, कम का मतलब माइनस 10 वोल्ट, माइनस 15 वोल्ट, माइनस 20 वोल्ट, जो मर्जी करते रहो, तो साइकिल क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव साइकिल। तो वो आपकी मर्जी है, आप जितना इंक्रीज करोगे आउटपुट उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो। लेकिन एम्पलीफिकेशन उल्टी की हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक, जितना, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बढ़ाते जाओगे तो ये टर्म कम होती जाएगी। अब मान लो नेगेटिव साइकिल आता है, जो नेगेटिव साइकिल है, अब नेगेटिव इज कनेक्टेड विद यहां पर सेंटर में पी, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की सपोर्ट को कम कर लेगा, कम करेगा बेस करंट कम होगा, बेस करंट कम होगा कलेक्टर करंट कम, और अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये पॉजिटिव तरीके से इसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो साइकिल में कितने का फर्क आ गया, 180 का फर्क आ गया, 180 का फर्क आ जाएगा, ठीक है यहां तक, तो 180 का फर्क आ जाएगा इसमें, कोई डाउट इसमें। तो इस केस में एम्पलीफिकेशन उल्टी कैसे हो रही है, एंड में लिखोगे, एक हेडिंग डालोगे पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में ये लिखोगे, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी कम्स, इट सपोर्ट्स दी फॉरवर्ड बायसिंग, सपोर्ट करेगी, जिससे कि क्या होगा, एमिटर करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर इंक्रीज होगा तो आउटपुट डिक्रीज होगी, दैट्स इट। फिर आएगा नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो सीधा चार लाइन लिखनी है, तब बड़ा लिखना, नेगेटिव साइकिल आएगा तो फॉरवर्ड बायसिंग की सपोर्ट कम होगी, इट अपोजेस द फॉरवर्ड बायसिंग, अपोज करेगा करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी, दैट्स इट। इसके बाद आपका एम्पलीफायर खत्म होगा। और अगर और भी ज्यादा लिखना है तो एंड में लिख सकते हो गेन्स ऑफ एम्पलीफायर, बट ठीक है, इतना तीन नंबर के हिसाब से बहुत है, ठीक। तो गेन्स, अगर टाइम बचा तो लिख देना गेन्स की वैल्यू भी, लिख देना, क्या दिक्कत है इसमें, गेन्स में अभी करवाऊंगा आपको, बट सफिशियंट। अगर पांच नंबर में आएगा फिर तो सारा ही, फिर गेन्स तक लिखते जाना सारा, ठीक। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब इसके अंदर ये आपके पास क्या आ गया, इस केस में एम्पलीफिकेशन हो गई। हालांकि मेरे हिसाब से जो एम्पलीफिकेशन है वो वहीं पर खत्म हो गई थी जब हमने माइक्रो और मिली किया था, माइक्रो मिली से ही एम्पलीफिकेशन मोर देन सफिशियंट है वैसे, ठीक। ज्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां तक भी सफिशियंट है अगर आगे भूल गए तो। डायग्राम डोग्राम ठीक बना देना। नेक्स्ट है, अब ये कौन सा एम्पलीफायर किया था, NPN, अब कौन सा कर रहे हैं, PNP। PNP एम्पलीफायर के अंदर सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। वैसे ये आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता ये आएगा, बट फिर भी अगर आ जाए तो लिखना आना चाहिए। तो ये PNP है, N की जगह P, P की जगह N, करंट जो इस तरफ जा रहा था वो उल्टा हो गया, बैटरी की बायसिंग उल्टी हो गई, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, सब कुछ उल्टा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, सब कुछ उल्टा हो गया। और इस तरीके से हुआ कि अगर आपकी आउटपुट क्रेस्ट आ रही है तो वो भी उल्टी हो जाएगी, ट्रफ हो जाएगी, और अगर आपकी ट्रफ आ रही है तो वो भी उल्टी हो जाएगी,
क्रेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइकिल अगर आउटपुट आएगा तो नेगेटिव बन के आएगा, नेगेटिव आएगा तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो इसको देखते हैं कैसे। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इन टू आर सी, इक्वेशन सेम लिखनी है। तो इस इक्वेशन तक तो सब कुछ सेम चलेगा, करेक्टरिस्टिक्स एवरीथिंग विल बी सेम, बस एक फर्क होगा जब पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगा तो सबसे पहले किसके साथ मिलेगा, एन के साथ। पॉजिटिव जब एन के साथ मिलेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग कम होगी तो आउटपुट बढ़ जाएगी, और अगर आउटपुट बढ़ेगी तो क्या बनेगा, क्रेस्ट, पर क्रेस्ट ही निकलेगा बाहर, उल्टा होकर निकलेगा क्या, ट्रफ। तो गया तो पॉजिटिव था लेकिन आया नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव साइकिल इसमें। ये ना सोचना पॉजिटिव पॉजिटिव बन के आएगा, साइकिल भी 180 का फेज चेंज दिखा देगा, सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन हैज चेंज, आउटपुट हैज चेंज। उसी तरीके से जब नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल यहां पर एन देखेगा, नेगेटिव विद एन, तो इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी, फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा, बनना चाहिए था ट्रफ लेकिन बनेगा क्या, क्रेस्ट, तो उल्टा आ जाएगा। वैसे इसका आने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर अगर आ जाए तो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या लिखना है, ठीक है यहां तक। वैसे एनपीएन नहीं आता है, एनसीआरटी में ही कॉमन एमिटर का एनपीएन है तो वहीं से सफिशियंट है वैसे, ठीक। देखो अब एंड में अब हमने क्या लिखना होता है, गेन्स लिखने होते हैं, गेन्स। जैसे गेन्स एम्पलीफायर मैंने बताया था कि या कोई भी चीज़ है उसकी एफिशिएंसी होती है, इसमें हम गेन्स बोलते हैं आउटपुट बाय इनपुट को। तो गेन्स कॉमन एमीटर के हमने करने हैं, हम ना पहले कॉमन बेस के करेंगे, हालांकि कॉमन बेस मैंने बताया था सिलेबस में नहीं है, बट जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन हैं नीट और मेन्स के, उसमें कॉमन बेस के ऊपर गेन्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉमन एमीटर के ऊपर भी आ जाते हैं। तो हम गेन्स इकट्ठे करेंगे, पहले कॉमन बेस के करेंगे फिर कॉमन एमीटर के करेंगे। तो फॉर्मूला तो हमने देखना ही है उनके। तो गेन्स सबसे पहले पीछे आ जाओ कॉमन बेस पे, कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक। कॉमन बेस की थ्योरी तो आप चाहे क्रॉस ही कर दो, थ्योरी तो हम नहीं कर रहे इसमें, हमें जरूरत नहीं है। हम यहां से शुरू करेंगे, वेरियस गेन्स इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक। देखो गेन्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हालांकि 10 फॉर्मूलाज होंगे, अगर आपको एक चीज समझ में आ जाती है वो क्या, कि अगर कॉमन बेस की बात होती है तो कॉमन बेस में इनपुट में कौन है, बस ये बताओ, एमीटर। आउटपुट में कौन है, कलेक्टर। आउटपुट में वैसे हमेशा एक कलेक्टर होते हैं,
आउटपुट हमेशा कलेक्टर होता है, और बेस अगर कॉमन हो गया तो बचा क्या, एमिटर ही बच गया, ठीक। ऐसे ही कॉमन एमिटर जब हम करेंगे, अभी कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट में कौन है, बेस, और आउटपुट में तो हमेशा कलेक्टर ही होता है। बस ये चीज अगर आपको याद है तो बस ठीक है। देखो कैसे हम किसके गेन कर रहे हैं, कॉमन बेस के। सबसे पहला कौन सा गेन है, करंट गेन या करंट ट्रांसफर रेशियो या करंट एम्पलीफिकेशन रेशियो, जैसे मैंने बताया था। तो करंट गेन में सबसे पहला कौन सा गेन है, डीसी करंट गेन, सिंबल इसका क्या है, अल्फा। सीधा फॉर्मूले पे आओ, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट को डीसी करंट गेन बोलते हैं। तो आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, एमीटर, हो गया फॉर्मूला, अल्फा याद रहेगा यहां पर। नेक्स्ट एसी करंट गेन, एसी क्योंकि चेंज होता है, तो चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट इज एसी करंट गेन। आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, एमीटर। तो ये क्या आ गया, अल्फा एसी, तो भी याद हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज गेन, एसी वोल्टेज गेन के अंदर, एसी वोल्टेज गेन के अंदर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज में आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, इनपुट या एमीटर, लिख दो एक ही बात है। तो ए भी लिखते हैं ऐसे, समझ में आ गया यहां तक। इसको अगर ओम लॉ से ओपन करें तो आउटपुट बाय इनपुट में, आउटपुट में डेल्टा आई सी इंटू आर, आर नॉट का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, आर आई का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट में कौन है, एमीटर। इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, अल्फा एसी, अल्फा एसी अभी किया था, अल्फा एसी, एसी करंट गेन, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होगा तो ये अपने आप बन जाएगा। तो मेन पहला फॉर्मूला ही याद करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है एसी पावर गेन, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, क्योंकि एसी है तो चेंज आएगा, चेंज इन आउटपुट पावर बाय चेंज इन इनपुट पावर, चेंज इन आउटपुट पावर में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, एमीटर। तो इसकी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, एवी, अभी किया था, वोल्टेज का करंट गेन है, और करंट के गेन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एसी, एसी करंट गेन। तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, आप सीधा फॉर्मूला लगाएं पावर का आई स्क्वायर आर वाला, आउटपुट आई स्क्वायर आर, इनपुट आई स्क्वायर आर, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, एमिटर। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अल्फा एसी, इसको क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस गेन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपने गो थ्रू करने हैं। अब हम गेन्स किसके करेंगे, जो सिलेबस में है, कॉमन एमीटर पे आ जाओ। अब कॉमन एमीटर में, अब कॉमन एमीटर के अंदर क्या चीज याद रखनी है, ये याद रखना है इनपुट एंड आउटपुट, बस। तो सबसे पहला कौन सा गेन है, डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, बेस। तो ये समझ में आ रहा है, आउटपुट बाय इनपुट, किरचॉफ लॉ हमने किया, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो यहां से आई ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, आई ई माइनस आई सी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आई ई से डिवाइड करोगे तो ये टर्म आएगी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा वाज कॉमन बेस का गेन था, बीटा कॉमन एमीटर का गेन है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, इसके ऊपर क्वेश्चन तो पक्का आता है, इसी के ऊपर अदर क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है नीट में तो पक्का इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, मेन में तो फिर भी थोड़ा वो जिग्नर के ऊपर भी क्वेश्चन डाल सकता है, हालांकि आया नहीं है, बट फिर भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जैसे आजकल कंपटीशन चलता जा रहा है तो जीनर के ऊपर न्यूमेरिकल या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आए हुए हैं रादर मेंस में, तो फॉर्मूला प्लीज रिवाइज करके जाना, ठीक।
नेक्स्ट, इसके बाद एसी करंट गेन। एसी करंट गेन के अंदर इसको बीटा एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एसी आ गया तो चेंज वर्ड आएगा, तो चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, तो चेंज आ जाएगा क्योंकि आउटपुट में कौन है कलेक्टर, इनपुट में कौन है बेस, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला। ट्रांसकंडक्टेंस, इसमें जीएम ट्रांसकंडक्टेंस होती है, इसको बोलते हैं चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज में वैसे तो ये फॉर्मूला सफिशियंट है, पर अगर मॉडिफाई करना है तो इसको डेल्टा आई बी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। यहां से ये क्या है, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट को क्या बोलते हैं, बीटा एसी, ठीक, एसी करंट गेन। और ऐसे इसको इसके नीचे ले आओ तो इनपुट वोल्टेज का चेंज बाय इनपुट करंट का चेंज की रेशियो क्या बोलते हैं, आर ऑफ आई। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ट्रांसकंडक्टेंस की, बीटा एसी बाय आर ऑफ आई हो जाएगी। तो मतलब ये याद करने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है, अगर ये याद है तो न्यूमेरिकल के अंदर मॉडिफाई करके हम अपना आंसर खुद निकाल लेंगे, पर ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला जरूर याद करना, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज गेन। एसी वोल्टेज गेन ए ऑफ वी है। एसी वोल्टेज गेन क्या है, आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होती है आई इंटू आर। मॉडिफाई करना है तो आउटपुट का पावर क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू आर आई इंटू आर। तो ये आउटपुट है कलेक्टर, इनपुट है बेस, इसकी रेशियो अभी डिस्कस की थी हमने बीटा एसी, और ये रेजिस्टेंस गेन। पर ये याद करने का फायदा नहीं, बस ये सफिशियंट है, ठीक है याद रख लेना। इसमें एसी पावर गेन, आउटपुट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर क्या है कलेक्टर, इनपुट में कौन है बेस, तो इसकी जगह बीटा एसी, ये रेजिस्टेंस गेन है। बीटा एसी का स्क्वायर को दो बार स्प्लिट कर लिया, तो बीटा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन अभी किया था ए ऑफ ए वोल्टेज गेन। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, बस यहां तक सफिशियंट है मेरे को लगता है। तो ये गेन्स का पॉइंट सबको समझ में आ गया कि गेन्स क्या है, ठीक। तो गेन्स में कुछ नहीं करना, आउटपुट इनपुट आउटपुट।